अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद यासीन और आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लाइफ ऑफ यासीन। तो आज मैं जा रहा हूं कच्छ भूज गुजरात। तो मुंबई से गुजरात की जर्नी कैसी होती है, कौन सी ट्रेन होती है, कितने बजे की होती है और क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, ठीक है वो मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए, ये दादर से जो है भूज दादर सयाजी एक्सप्रेस ट्रेन है, ठीक है। मेरा जो डिब्बा है S6 है, ठीक है। 3:15 पे ये दादर से निकलती है प्लेटफॉर्म नंबर सेवन से जो है वो ट्रेन निकलेगी। 3 बज चुके हैं और 3:15 पे जो है यहाँ से ट्रेन रवाना होगी और सीधा जो है भूज तक जाएगी, ठीक है। ट्रेन ऑलमोस्ट खाली लग रही है और यहाँ पर जो है मुंबई में थोड़ा ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा है, बट कच्छ में जो है ह्यूमिडिटी लेवल बिल्कुल कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू मुंबई, क्योंकि वहाँ पर जो है ज़्यादा ठंड है। तो मैंने स्वेटर वगैरह, स्वेट शर्ट्स वगैरह सब ले चुका हूँ और 3:01 हो चुके हैं। 3:15 देखिए अनाउंसमेंट हो चुका है इसका, तो इंशाल्लाह बने रहिए इस ब्लॉग में। आपको मैं दिखाऊंगा कि दादर से भूज कच्छ किस तरह जाते हैं, ठीक है। मैंने तत्काल में टिकट ली थी बिकॉज मेरे को पता था कि तत्काल में टिकट मिल जाएगी, क्योंकि पूरी ट्रेन जो है अभी सीज़न नहीं है तो खाली है। जनवरी का महीना है और कच्छ में बहुत ठंडी होगी और आज की जो डेट है वो 17 जनवरी 2000। जिनको पता है उनके लिए नहीं, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए यहाँ पर ISO सर्टिफाइड का पानी लेके यहाँ पर से जा रहे हैं। ट्रेन चली नहीं और रुक गई। रेड सिग्नल दिखाई दे रहा है। सयाजी नगरी ट्रेन से जाते हुए तकरीबन 28 से 29 स्टॉप आते हैं, ठीक है। और इसी ट्रेन के अंदर मुझे लगी थी भूख और एक पर्चा पड़ा हुआ था, उसमें लंच और डिनर का था, ठीक है। तो डिनर के लिए मैंने ऑर्डर किया है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा। अगर आप इस ट्रेन से आते हैं या ये रूट से जाते हैं तो पुरोहित वाले को देखिए 150 रुपीज़ की जो थाली है मैंने यहाँ पर मंगवाई है। मैं जब खाऊँगा तो मैं इसका रिव्यू भी करूँगा, ठीक है। तो बने रहिए और बहुत कुछ आगे देखना बाकी है। दानू रोड जो है क्रॉस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब आएगा वापी, वापी के लिए रुके, ठीक है। गाड़ी स्लो हो चुकी है और ये रहा हमारा इंडिया का फ्लैग। ये ट्रेन वैसे खाली नहीं मिलती हमूमन, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ट्रेन आज कितनी खाली है। बोल बड़ा, बोले बड़ा बो गया, बड़ा बो खावा। ये फोटो उतार, ये भाई है, देखो ये भाई है ना, ट्रेन में ऑर्डर भी लेते हैं, ठीक है ना, खाने पीने का ऑर्डर लेते हैं। और अभी ये पिछले 1 घंटे से मैं देख रहा हूँ कि इनको कोई ऑर्डर नहीं मिला है। ये बुक दिखाओ तुम्हारा, ये बुक दिखाओ, हाँ ये बुक दिखाओ, कितना ऑर्डर मिला है। ये देखो एक भी ऑर्डर नहीं है, एक भी। अगर आप सयाजी से या फिर ये रूट में ट्रैवल करते हो ना, तो ये भाई का नाम मैं बता देता हूँ, नंबर बता देता हूँ, कभी भी आप इसको ऑर्डर करो, खाना ये आपको हाजिर करेगा। अपना नंबर बता, नाम बता। नंबर है 7 7 7 9 9 7 7 4 4 3 3 9 1 6 9 1 6। तेरा नाम? खादिम शेख। खादिम शेख, अच्छा क्या 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 मतलब खाने में क्या क्या देता है सर? मिलते हैं चाइनीज मिलेगा, वेजिटेबल खाना मिलेगा, वेज चाइनीज वेजिटेबल खाना और वेज पूरा, नॉन वेज नहीं, अच्छा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो किधर से? ऐसा तो मैं भरत से सर्विस करता हूँ, आपको चाहिए वडोदरा, अहमदाबाद, अच्छा मतलब मिलेगा, सब जगह में मिलेगा। अगर ये नंबर पर कॉल किया तो तू ये हाथ में तो दे देगा, ठीक है ना? चल ठीक है, ओके, थैंक यू।
खाना जो है मैंने जो सूरत स्टेशन पे मंगवाया था और उनने एग्जैक्ट वही लोकेशन पे आके उसने जो है दो खाने के बॉक्स दे दिए हैं, साथ में छाछ भी फ्री है। ठीक है, जैसे ही मैं उसको ओपन करूँगा मैं आपको दिखाते जाऊँगा। ये रहा सूरत स्टेशन। मुझे लगा नहीं आएगा क्योंकि मैं नीचे उतर के देख रहा था, लेकिन उसने बरोबर सीट के पास रखा था और मेरे डैड ने पैसे दे के लिया उससे। तो खाना टेस्ट करके मैं आपको बताऊंगा कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, 150 रुपये में वर्थ है या नहीं है। सूरत में खाना मिला और कोसम्बा आते आते हमने वो खाना भी जो है खा लिया और टेस्ट वाइज ओके, 150 रुपीज़ में आपको अच्छा है खाना, मतलब इट नॉट बैड, आप ऑर्डर कर सकते हो। और वैरायटीज़ तो आपने देख ही ली कि क्या क्या था। ठीक है, तो 150 रुपीज़ में आप अगर इस तरह से खाना चाहें और आप अगर घर से नहीं लेके आना चाहें और घर पे ना हो कोई ऐसा, तो आप इस तरह से ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है ना, देखा आप लोगों ने ट्रेन में भी कैसी बार्गेनिंग होती है। अगर आप लोग को करना है तो ऐसे कर सकते हो आप भी। बाबूजी जैसा काम छोटा करता हूँ पापा, बाबूजी मेरी मेरा नाम ले देने का तकिए वाले का भाई। बाबूजी की बैठा रहे चाय पिलाएगा तुम निकलने की बात है। अभी फिलहाल मैं सो रहा था लेकिन सोने के लिए मेरे पास तकिया नहीं था और ये भाई साहब मेरे को मिल गए। क्या नाम है तुम्हारा? सिलेंडर। हाँ सिलेंडर। हाँ सिलेंडर यार, सिलेंडर ठाकुर सिलेंडर। कहाँ से हो तुम? यूपी बाबूजी। यूपी? यूपी में कहाँ से? यूपी एटा जिला। कितने साल हो गए काम कर रहे हैं बाबूजी? कितने साल हो गए काम कर रहे हैं? बाबूजी हो गया 11 साल। ये काम क्यों कर रहे हैं? पढ़ाई नहीं है? नहीं बाबूजी। क्यों नहीं बाबूजी? सब क्या सही है, पढ़ाई में दिल नहीं लगा, मजबूरी बाबूजी आई। अच्छा, तो ये बिजनेस यहाँ पर कितने साल से कर रहे हैं? जब 10 साल का था जब से कर रहा हूँ। 10 साल का था जब से कर रहा हूँ। तो यहाँ पर तेरी फैमिली कहाँ पर है? फैमिली बाबूजी मेरे गांव में, मेरी फैमिली तो वैसे तो मैं अकेला ही रहता हूँ यार। शादी हो गई तेरी? नहीं पा रहा हूँ बाबूजी। नहीं पा रहा हूँ यार। अच्छा, शादी नहीं हुई तेरी? एज क्या है तेरा? है एज क्या है? एज मेरा 19 साल बाबूजी। 19 साल का है तू? कितना कमा लेते हो बाबूजी? बस कच्चा 5 लाख, बस 400-500 कम जाता है बाबूजी। एक दिन का 400-500 हो जाता है, चल जाता है। पहले कोरोना के पहले अच्छा था या अभी अच्छा है? कोरोना से पहले अच्छा था। अच्छा था, तब कितना निकलता था? जब तो कम से 800-900 रुपये निकल जाते थे। और अभी? अब कोई 400-500। गाड़ी में भी चल रही है दुकान? हाँ बाबूजी, मैं किसी गाड़ी में ही आ सकता हूँ, उसके अलावा कोई नहीं आ सकता। अच्छा, वैसे हम लोग मॉल से या कहीं और दूसरी जगहों से जब कुछ चीज़ें लेते हैं तो भाव तोल नहीं करते हैं, लेकिन अगर ऐसे यहाँ पर ट्रेन में अगर ये अपनी सुविधाओं को छोड़कर हमारी सुविधाओं का ख्याल रखने के लिए ये लोग आते हैं, ठीक है, और हमें तकिए वगैरह हर आराम की चीज़ें देने के लिए यहाँ पर आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और अगर ये कुछ पैसे मांगते हैं तो इनको दे दीजिए, ठीक है, बार्गेनिंग ज़्यादा मत कीजिए इनसे, ठीक है, क्योंकि ये अपनी रोटी रोटी किसी तरह कमाते हैं, ठीक है ना। तो मैं ऐसे ही
सो रहा था तो मेरे डैड ने इसे तकिया लिया, ठीक है। मैंने भी ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करवाई क्योंकि हमको भी पता ही है इसकी प्राइस क्या है, ठीक है। तो मार्जिनल प्राइस में हमने भी इसे ले लिया। अगर आप इस रूट पे, ये बंदा जो लोग वीडियो देख रहे हैं और ये बंदा आपको मिले तो इसे बार्गेन मत करना क्योंकि अपने पेट के लिए दौड़ रहा है, ठीक है। 19 साल का है, ठीक है, मेहनत कर रहा है, इसको सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चल, रात के बज चुके हैं 9 और सोने का टाइम भी हो गया है, बट मैं थोड़ा क्या है खाने के बाद वॉक करता हूँ, इसके लिए मैं वॉक कर रहा हूँ और 5 मिनट के बाद सो जाऊँगा। और अगर बीच में भी सफ़र में अगर कहीं आँख खुली तो बात करेंगे इंशाल्लाह, अदरवाइज़ कल सीधा मॉर्निंग में, क्योंकि 7 बजे तक तो भूज भी आ जाएगा। तो बने रहिए चैनल पे, मिलते हैं कल। सुबह के 5 बजे हैं और हम पहुंच चुके हैं गांधीधाम, और ये छोटा सा ट्यूब लेकर ब्रश करेंगे, ब्रश कॉलगेट। गांधीधाम से भूज जो है तकरीबन 1.5 घंटे का फासला है और 1.5 घंटे में हम भूज पहुंच जाएंगे। ज़्यादातर पब्लिक जो है सोई हुई है, चाय पीने के लिए भी नहीं उठी है, बिकॉज़ यहाँ पर टेम्परेचर जो है बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडी है। मुंबई में इतनी ठंडी नहीं है बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी है। मैं देखता हूँ, ब्रश करता हूँ, ब्रश करने के बाद में चाय वाय पीते हैं। ये ट्रेन जो है 2 बड़े होल्ड लेती है, एक है अहमदाबाद और दूसरा है गांधीधाम। ये 2 बड़े होल्ड क्यों लेती है, क्योंकि यहाँ पर जो है इंजन चेंज होता है। और गाड़ी देखिए निकल पड़ी अपनी, तो बैठ जाते हैं। पानी तो जैसे लगता है बर्फ है। लेजेंड्स ऑफ इंडियन क्रिकेट स्पोर्ट्स, वहाँ पर मिका सिंह, एमएस धोनी, मेजर ध्यानचंद, विराट कोहली, कपिल देव, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, सबके फोटो दिए हैं। इतनी सी छोटी सी चाय का 10 रुपये है। गांधीधाम जंक्शन जो है हम छोड़ चुके हैं और वक्त हो चला है 5:20। एक आध घंटे में भूज पहुंच जाएंगे हम लोग इंशाल्लाह। आपको वैसे कुछ दिख नहीं रहा होगा लेकिन मॉर्निंग के 6:23 पर यहाँ पर जो है भूज हम पहुँच चुके हैं। ब्लॉग ख़त्म होता है, सफ़र नहीं। बने रहिए मेरे चैनल पर और मेरी जर्नी को, जो मैंने दादर से लेके भूज तक जो की है, इसको एंजॉय कीजिए और देखिए इसमें मैंने क्या क्या किया है। और आप अगर जो इस जर्नी को यहाँ से दादर से भूज या भूज से दादर आप जाते हैं तो इसी तरह से अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगा। ये ब्लॉग का एंड यहाँ होता है। मैं मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।